हेलो जैन दोस्तों मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में आज हम आपके आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर लगाने वाले हैं और ये हमारा जो है 2024 का पहला मॉडल पेपर है और दूसरी चीज क्लास जो है वो 12 तेरह दिन बाद चल रही है उसका एक रीजन है है ना थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था क्लास लेने का और अपने दूसरा चैनल टू पॉइंट जीरो पे एस एस सी की क्लासेस भी चल रही थी कोशिश करेंगे अब से क्लास कंटिन्यू हो और रही बात वैकेंसी की बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी तो एक अनुमानित है कि आपकी जनवरी के लास्ट तक या फरवरी की स्टार्टिंग में आपकी वैकेंसी आ जाएगी और वैकेंसी आने के बाद आपको सिर्फ डेढ़ से दो महीने या ढाई महीने का टाइम मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिएगा ताकि लास्ट के टाइम पे आप रिविजन और प्रैक्टिस कर पाए ठीक है अप्रैल तक शायद आपका एग्जाम भी हो जाएगा उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आएगा सभी लोग कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो जैसा आप सभी को पता है आपका जो आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है जी डी ओ का उसमें पचास प्रश्न पूछे जाते हैं पचास प्रश्न तो सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे इसमें क्या रहेगा आपके जीके के पंद्रह क्वेश्चन होंगे साइंस के पंद्रह होंगे मैथ के और रीजनिंग के पांच प्रश्न रहेंगे कुल आपका 100 नंबर का पेपर रहता है और समय आपको 60 मिनट का दिया है कोशिश करेंगे ये क्लास 60 मिनट तक खत्म कर दें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है आपके सामने सेक्शन ए सामान्य ज्ञान एक से पंद्रह तक पहला प्रश्न है भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है इसका आंसर करिएगा जल्दी से क्या आंसर देंगे सर अग्निवीर का पेड कोर्स लिया है उसमें ऐसा पढ़ा रहे हैं उसमें इजी पढ़ा रहे हैं एस एस जीडी का पेड कोर्स लिया है बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं देखो आपने दोनों पेड़ कोर्स लिए हैं वो अच्छी बात है ये तो आपको आपको भी फिगर आउट करना पड़ता है कि आपको किस लेवल तक पढ़ना है ठीक है कोर्स लिया है तो उसको पढ़िए अच्छे से चलिए क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा क्वेश्चन नंबर एक है और उसका आंसर आप लोग क्या करेंगे ठीक है देखो भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश आप सभी का आंसर यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में ठीक है डोंग एक घाटी भी है अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव या डोंग घाटी में सूर्य सबसे पहले निकलता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है ये जो प्रश्न रहेंगे आज बिल्कुल आपके आर्मी अग्निवीर के लेवल के ही रहेंगे है ना थोड़ा सा अगर आप लोग हार्ड भी करना चाहते हैं हमारी रात को एसएससी जीडी की क्लास चलती है शुभम में क्लासेस 2.0 पर सर्च करेंगे वो चैनल मिल जाएगा आपको वहां पर आप लोग एसएससी जीडी की क्लास भी कर सकते हैं डेली रात को आठ बजे होती है आंसर करिए जी वेरी गुड अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है प्रभात आर्मी डिफेंस कार्तिक रोहित कुमार मनीष वेरी गुड देखो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बोलेगा क्या आंसर देंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जिसने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब रही बात विजय लक्ष्मी पंडित की तो विजय लक्ष्मी पंडित क्या हैं ये मैंने अपनी एस एस की क्लास में भी बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है निर्मला सीतारमन वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर कर दीजिएगा और यहां पर ना मैंने चारों ऑप्शन ही ऐसे लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं ठीक है पांच जून को कौन सा दिवस मनाते हैं ग्यारह मई को बाईस मई को और ग्यारह जुलाई को हो सके तो चारों कमेंट करिएगा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में दस सेकेंड का टाइम दे रहा हूं जल्दी से आंसर दीजिए 2003 है तो भाई फॉर्म भर सकते हो राहुल राहुल भाई कोई समस्या नहीं है मैं आपकी क्लास का तेरह दिन से वेट कर रहा था अमरजीत गुप्ता इसके लिए माफी चाहेंगे क्लास कोशिश करूंगा कि डेली हो ठीक है मेरी आधी हां भाई भर सकते हैं कोई समस्या नहीं है भरो बिल्कुल भरो बिल्कुल लेकर आएंगे टीसीएस पैटर्न पर चलिए देखो जी विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो यह मनाया जाता है कब 11 जुलाई को हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 5 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं यह भी ध्यान रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ठीक है 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो कब मनाते हैं ग्यारह मई को और बाईस मई को भी ध्यान रखिएगा ये और इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया जाता है बाईस मई को चार नंबर क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था क्वेश्चन नंबर चार है सामने स्क्रीन पर वेरी इंपॉर्टेंट आंसर दीजिएगा अंकुल कुमार मैंने कमेंट पढ़ लिया है प्लीज सेम कमेंट को कॉपी पेस्ट मत करिएगा डेली हाँ, करेंगे क्लास आप कहां से हो मैं हरियाणा से हूं अंबाला डिस्ट्रिक्ट है भाई देखो भाई देखो सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था क्या आंसर देंगे अगर आप सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं डॉग आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रश्न और बनता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था तो कॉपर यानी कि तांबा उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पांच नंबर आपके सामने है मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था इन विच पीरियड डिड ह्यूम स्टार्ट यूजिंग फायर फाइव नंबर का आंसर दो जल्दी से भाई स्टूडेंट कम है एक तो काफी दिन बाद क्लास हो रही है उस वजह से बट आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए आपके जितने ग्रुप हैं कितना डीपली पढ़ा जाए देखो एक मीडियम लेवल तक एस एस की क्लास तक भी इंपॉर्टेंट है ना चल जाएगा है ना एस एस सी जी डी एस एस सी एम टेस्ट क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है ये मैं आसान करवा रहा हूँ बहुत आसान ऐसा पेपर आपका दो साल पहले आता था मैं ये पहली क्लास है इसलिए आसान ले रहा हूँ। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं पूरा पाषाण काल उनका राइट right आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल का भी ध्यान रखिएगा मानव ने सबसे पहले पहिए बनाना जो है वो नव पाषाण काल में शुरू किया था पहिए का प्रयोग सिक्स नंबर है भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ये आंसर दीजिए अच्छा अगर आप लोग को पता है भारत में टोटल आठ राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है वो आठ राज्य कौन कौन से हैं अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है ठीक है इसका भी आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का मॉक टेस्ट में सिक्सटी फाइव आ रहे हैं देखो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से ही कुछ होगा नहीं अगर आप रिवीजन और प्रश्नों को पढ़ेंगे उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे ज्यादा होगा ठीक है ना अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मेरे ख्याल से 10 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए 15 दिन में डेली लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है ऐसे स्कोर बढ़ेगा नहीं अगर मान लो कुछ पढ़ा होगा कुछ आपने रिटेन किया होगा तभी तो मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे है ना तो पढ़ाई भी करिएगा शुरू में डेली मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपका लेवल एक मतलब एक मीडियम लेवल तक आप नहीं पहुंच जाते गमछा झार मित्र पर बिल्कुल यही ट्रिक है अब यहां पर देखो ऑप्शन डी जो है ना असम ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अलावा गुजरात झारखंड छत्तीसगढ़ इसके अलावा आपका हो जाएगा मिजोरम ठीक है ना फिर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल इसके अलावा आपका हो जाएगा राजस्थान है ना कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छह दो राज्य और बचे हैं भाई बता दो इसके अलावा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी एक राज्य बसता है जल्दी से बताइए एक राज्य कौन सा है जो रह गया है एक हो जाएगा आपका त्रिपुरा इन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है यह ध्यान रखिएगा सेवन नंबर है पम्बन द्वीप कहां स्थित है इसका आंसर दीजिए जी आप ऑफलाइन क्लास नहीं लगाते नहीं जी अब ऑफलाइन क्लास नहीं चलता है सर मैं नमस्ते मैं आपके चैनल में नया जुड़ा हूँ नए जुड़े हैं भैया नीरज पाल मोस्ट वेलकम है आपका हाँ जी एक त्रिपुरा है बिल्कुल देखो भाई पंबन द्वीप में ना एक चीज कंफ्यूजन है जो हमेशा कंफ्यूज होती है पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है ठीक है ना पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं कभी सोचो कि अलग अलग है ठीक है कौन से राज्य में है तो राज्य का नाम क्या है तमिलनाडु है कौन से द्वीप पर है तो ये मन्नार की खाड़ी में है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जिसने ऑप्शन बी को दिया है आंसर मैच करिएगा नंबर पे बढ़ते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी जल्दी से बताइए नंबर अग्निवीर के लिए बेस्ट बुक बता दो तो देखो स्पीडी और लूसेंट से आगे मत जाना उससे आगे तो फिर जितना मर्जी आगे बढ़ जाओ उसका बेनिफिट नहीं है स्पीडी और लूसेंट काफी है वैसे बाकी जो रही कसर है वो हम अपनी क्लास में कंप्लीट कर देंगे क्या हुआ क्लास रुक गई क्या भाई साहब क्लास में हूं था, लग रहा। आंसर देखो जी, की पहली बैठक ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें ना अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी किसे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था ठीक इसके दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई पूछेगा दूसरी बैठक कब हुई 11 दिसंबर 1946 को और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये स्थाई अध्यक्ष थे परमानेंट ठीक है ना स्थाई तौर पर और ये अस्थाई तौर पर थे इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1946 क्वेश्चन नंबर है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय पर आपका एग्जाम पिछली बार भी टीसीएस ने लिया था इस बार भी टीसीएस लेगा और टीसीएस में ना ये पंचवर्षीय योजना पहला टॉपिक इसके अलावा एक टॉपिक जो है वो नृत्य का बहुत पूछ रहा है एक टॉपिक पूछ रहा है आपका दो की जनगणना का मैं एकदम लेटेस्ट बता रहा हूं ये आपको करना ही करना है इसके अलावा पूछ रहा है प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र बहुत पूछ रहा है एग्जाम में ठीक है और एक और है आपका इकोनॉमिक्स का ही कोई टॉपिक है वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है मतलब इनसे प्रश्न बन ही रहे हैं हमेशा ठीक है यूनेस्को की धरोहर सूची आपसे पूछ सकता है इस बार आर्मी अग्निवीर में भी दूसरी पंचवर्षीय योजना किस समय अवधि क्या थी देखो उन्नीस सौ इक्यावन से छपन जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी तो पहली पंचवर्षीय योजना थी फिर छप्पन से इकसठ जो है वो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी तो जो ऑप्शन बी को बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ना वो किस पर आधारित थी वो कृषि उन्मूलन पर आधारित थी ठीक है किस मॉडल पर थी तो हेराल्ड डॉमर मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी यह भी ध्यान रखिएगा मॉडल का नाम क्या है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ऐसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी तो उद्योगों के विकास पर आधारित थी मॉडल कौन सा था इसका महाल नोबिस मॉडल महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी यह ध्यान रखिएगा अगला प्रश्न है दस अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष में की थी क्वेश्चन नंबर दस का आंसर दे दो आप अच्छा गाइड करते हैं धन्यवाद भाई प्रमुख युद्ध अभ्यास भी पूछा था बिल्कुल करंट अफेयर्स में पूछा था प्रमुख व्यास और खेलों से रिलेटेड बहुत प्रश्न आ रहे थे ठाकुर मोस्ट वेलकम है भाई आपका गुड सेकंड उद्योग क्षेत्र महाल नोबिस वेरी गुड देखो जी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष हुई है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पंद्रह में एक ना पंद्रह है पंद्रह में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी पूछेगा इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब की तो पंद्रह में की थी अगला प्रश्न है ग्यारह नंबर शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है इसका आंसर दे दो जी हां भाई एस एस सी के लिए उनकी बुक अच्छी है बहुत अच्छी बुक है दीन ए क्या दीन ए इलाही एक धर्म एक प्रचलन चलाया था अकबर ने ठीक है एस एस बी का एग्जाम कब है भाई रवि कुमार अभी मेरे ख्याल से फिजिकल हुए हैं उन्हीं की बात कर रहे हो क्या शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है तो कथक से है ऑप्शन डी करेक्ट है कथक कहाँ का नृत्य है कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक कली आपको पता होना चाहिए केरल का नृत्य है मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है अगला प्रश्न संत कबीर के गुरु का नाम क्या था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का संत कबीर के गुरु का नाम क्या था बारह नंबर मिलिट्री एक्सरसाइज अभी नहीं करवाएंगे भर्ती आजाने तो उसके बाद अच्छे से चलेगी क्लास एस एस वाले चैनल पर करवा देंगे और दूसरी चीज ध्यान रखना शुभम ई क्लासेस टू ठीक है उस पर एस एस की क्लास चल रही है रोज रात को आठ बजे फॉर्म भरा है आपने तो जरूर देखिएगा और नहीं भरा है फार्म तो भाई फार्म भरो उसका वो भी डिफेंस की पूरी भर्ती है आपको हर एग्जाम में बैठना चाहिए ये समझ लो अगर आपने एस एस को टारगेट किया ना आपका आर्मी अग्निवीर तो ऐसे निकल जाएगा फिर पता भी नहीं लगेगा ठीक है तो थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाइएगा ऑप्शन बी करेक्ट है स्वामी रामानंद जिसने ऑप्शन बी दिया है उनका राइट है अलार कलाम पता है किनके गुरु का नाम था ये आपके आर्मी अग्निवीर में आया है अलार कलाम जो है ये गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र कौन सा है क्वेश्चन नंबर तेरह आंसर दे दो आर्मी अग्निवीर का फॉर्म जनवरी के लास्ट में उम्मीद है कि आ जाएगा अपना नंबर दे दो प्लीज नंबर दे देंगे लास्ट में भाई पढ़ाई करिए अभी आप देखो हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र हिंदी भाषा का बोला है तो उदंट मार्तंड हो जाएगा ये ऑप्शन सी करेक्ट है बोलोगे हाँ जी अब देखो बंगाल गजट जो है ना ये 1780 में लॉन्च प्रकाशित हुआ था किसके द्वारा जेम्स हिक्की के द्वारा ये क्या कर रहा हूं मैं किसके द्वारा जेम्स विलियम्स हिक्की के द्वारा ठीक है और यह भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा मराठा समाचार पत्र जो है ये अंग्रेजी भाषा का था किस भाषा का अंग्रेजी भाषा का प्रकाशित किसने किया था तो यह प्रकाशित किया था बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया चौदह नंबर है यूरो कप किस खेल से रिलेटेड है फटाफट से आंसर दे दो एक बार जल्दी से आपकी क्लास 45 क्वेश्चन राइट right थे मेडिकल हो गया गॉड oh भाई अगर जादी बड़ी समस्या नहीं है तो मेडिकल सुधारो इस बार भर्ती हो जाना ठीक है गुड 26 दिसंबर को पेपर है 2023 का सेफ स्कोर क्या होगा भाई देखो इससे ऊपर ही लेकर चलना 90 प्लस लेकर चलना भले ही इससे कम जाए ठीक है यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पंद्रह देखिएगा गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी जल्दी से बताइए गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई बढ़िया प्रश्न है आपसे ना एग्जाम में गूगल का संस्थापक भी पूछ सकता है गूगल का संस्थापक कौन था तो गूगल के संस्थापक दो व्यक्ति थे एक व्यक्ति का नाम था लैरी पेज और एक व्यक्ति का नाम था सर्जी पिन है ना सर्जी पिन ऐसा ही कुछ करके था दो व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी और गूगल की शुरुआत 1998 में हुई थी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी फेसबुक की स्थापना हुई थी शुरुआत 2006 से हुई थी मार्क जुकरबर्ग के द्वारा यहां पर सेक्शन बी कंप्लीट है सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? ये सामान्य विज्ञान के रहेंगे अगले 15 क्वेश्चंस और मैं ये चाहता हूं जब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएं तो कृपया सेक्शन वाइज बताइएगा कि सेक्शन ए में कितने राइट किए हैं आपने सेक्शन बी में सी में और सेक्शन डी में लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है सोलह नंबर का आंसर दीजिए जी जल्दी से भाई अंकुल मैंने आपको बताया है अगर आपके दांत खोखला है या कुछ है तो उसको सही करवा सकते हैं ठीक है ना ऑप्शन और कुछ है भी नहीं नहीं तो फिर वैसे ही बाहर हो जाओगे क्या मतलब है लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या बताएंगे जो नाइट्रस ऑक्साइड बता रहा है ऑप्शन डी उनका राइट हो जाएगा एन टू ओ इसका फॉर्मूला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा के द्वारा स्वश्न करता है थोड़ी सी गति बढ़ाते हैं क्लास की कौन सा जीव त्वचा के द्वारा स्वश्न करता है देखो जी मनुष्य पक्षी वहेल इसमें डॉल्फिन भी जोड़ सकते हैं वहेल और डॉल्फिन क्या है स्तनधारी है ठीक है तो जितने भी स्तनधारी होंगे वो किससे सांस लेंगे वो लेंगे फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं मेढक जो है मेढक हो गया आपका हो जाएगा जोंक इसके अलावा ध्यान रखिएगा केचुआ ये जो है त्वचा तो अच्छा के द्वारा श्वसन करते हैं इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है अठारह है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया अठारह नंबर बहुत बढ़िया वेरी गुड फ्रॉग मेढक बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आपका जी आर लेंसडाउन एस खान निशांत जतिन दीपक बिट्टू दास पर्थ ठाकुर तेज सिंह हानिया का सत्रह का सी है तो गलत है भाई सत्रह का डी आंसर होगा लेगर लगवा लिया है मैंने में यहां पे क्या है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा चार्ल्स चार्ल्स डार्विन डार्विन जिसने डार्विन दिया है उनका आंसर करेक्ट है अगला प्रश्न ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है यह आपके आर्मी अग्निवीर का पैटर्न है ऐसा प्रश्न पूछता है पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से देखो एक चीज ध्यान रखना छे किसकी परमाणु संख्या है तो छ को ध्यान रखना छ जो है वो कार्बन की है ठीक है आठ किसकी है तो ऑक्सीजन की है सत्रह किसकी परमाणु संख्या है तो सत्रह क्लोरीन की है और ग्यारह किसकी परमाणु संख्या है तो एन यानी कि सोडियम की परमाणु संख्या है ट्वेंटी है पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है आंसर कौन करेगा जल्दी से

ट्वेंटी वन का आंसर दो जी वेरी गुड बहुत बढ़िया ट्वेंटी मिल सकता है गुरुजी लव फ्रॉम कलाम लव यू भाई देखो इसमें क्या है नोट्स की बात करो जो हमारी जितनी भी क्लासेस होती है ना इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ठीक है एक चीज और है जो आप नोट्स की बात कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर की तो आर्मी अग्निवीर की टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है और नोट्स भी हैं बुक्स भी है हमारे द्वारा बनाई गई ठीक है उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है शुभम ई e क्लासेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो परमाणु के नाभिक में नहीं पाए जाते ऑप्शन ए करेक्ट है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है बाइस का आंसर दो जी आर्मी की भर्ती जनवरी के लास्ट में आ जाएगी दोस्त वीडियो कोर्स नहीं है टेस्ट सीरीज और किताब मिल जाएगी आपको वृद्धावस्था के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो जेरे भूलिएगा नहीं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ठीक है इसके अलावा राइनोलॉजी पता होना चाहिए नोज डिजीज है ना नोस डिजीज यानी कि नाक की बीमारियों से रिलेटेड है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है हाँ जी हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन होता है ये ध्यान रखिएगा स्टडी ऑफ टिश्यूज उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी और गायनोकोलॉजी क्या होता है महिला रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं महिला रोगों से संबंधित अध्ययन को क्वेश्चन नंबर तेईस हाइड्रोलिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है या किस अंग में पाया जाता है सर ऐप ओपन नहीं होता नहीं भाई ऐसा नहीं है ऐप ओपन होता है स्क्रीन में क्वेश्चन आधा ही दिख रहा है भाई मैं भी तो देख रहा हूँ देखो एकदम क्लियर दिख रहा है आधा कहां दिख रहा है फर्स्ट क्लास है स्क्रीन को ऐसे लैंडस्केप मोड में कर लो गुरु चेला लव फ्रॉम चेलाम भाई कालाम में कहा रहते हो आप स्टोमे आंसर आ रहा है अमाशय बहुत बढ़िया ऑप्शन सी स्टोमेज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चौबीस है निम्नलिखित अमलों में से किस अमल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन कार बैटरीज ट्वेंटी फोर का आंसर दो जल्दी से डेली क्लास लिया करो वंश मेहता कोशिश करेंगे कि अब से क्लास हमारी जो है वो डेली हो ठीक है कार बैटरियों में कौन सा अमल होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड का अगर फॉर्मूला पूछ ले तो एच टू एस ओ फोर ये आप लोग ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है देखो दो अभिक्रियाएं हैं एक रासायनिक अभिक्रिया होती है एक होती है कौन सी भौतिक अभिक्रिया ठीक है ना भौतिक एक होता है केमिकल चेंज और एक होता है फिजिकल चेंज जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना उसमें क्या है रासायनिक अभिक्रिया में मान लो कोई पदार्थ जो है वो दूसरे पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है तो वह दोबारा से लौटकर उस पदार्थ में नहीं आ पाएगा वो रासायनिक अभिक्रिया है और जो दोबारा से रिपीट हो सकता है वो क्या हो जाएगी भौतिक अभिक्रिया देखो कोयले का जलना अगर कोयला जल गया तो दोबारा से वापस कोयले की फॉर्म में वैसे ही फॉर्म में नहीं आ पाएगा भोजन का पकना कोई भोजन पक जाएगा तो वो क्या दोबारा कच्चा हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये भी रासायनिक अभिक्रिया है कागज का जलना कागज जल के समाप्त हो जाएगा वो दोबारा से कागज नहीं बन पाएगा देखो पानी का भाप में रूपांतरण भाप से दोबारा पानी बन सकता है पानी से बर्फ बन सकती है बर्फ से फिर पानी बन सकता है ये आपकी भौतिक अभिक्रिया हो जाएगी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी छब्बीस है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए विकल्प आपके सामने हैं समय मैं आपको दूंगा इस प्रश्न के लिए ओनली दस सेकंड आंसर दीजिएगा फटाफट से भटकती आत्मा भाई पहुंच गए क्या मोस्ट वेलकम नंबर दे देंगे भाई लास्ट में वाटर रिसाइकलिंग बिल्कुल करेक्ट है मोए मोए मत करो कमेंट बॉक्स में नहीं तो तुम्हारा मोए मोय हो जाएगा फिर देखो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होता है उसका भार तो बदल जाता है परंतु द्रव्यमान सेम रहता है उसके वेट में तो चेंज होता है पर जो डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम रहती है ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है 27 है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक जो है वो क्लियर कर लीजिएगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक में रूपांतरण यांत्रिक का विद्युत में है ना इसके अलावा प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक का प्रकाश में बहुत सारे हैं एग्जाम्पल ठीक है यांत्रिक का विद्युत विद्युत में उसके अलावा विद्युत का यांत्रिक में विद्युत का ध्वनि में ठीक है काफी हैं फाइनल लिस्ट में बाहर हो गया था कोई बात नहीं भाई इस बार मेहनत कर लेना तो बन जाएगी बात गुड चलो यार पढ़ाई करो ठीक है कमेंट बॉक्स में क्या बोलूं मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विद्युत मोटर जिसने आंसर दिया है उनका करेक्ट है देखो डायनमो इसका उल्टा है डायनमो क्या करता है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है यांत्रिक को विद्युत में विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है 28 है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है जो एसएससी जीडी की क्लास कर रहे उनको मैं पहली बता दूं शुभम ई क्लासेस 2.0 पर डेली आठ बजे रात को क्लास होती है सी जी की जरूर अटेंड करिएगा इनमें से कौन सुमेलित नहीं है आंसर दीजिए जी आपके सामने ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं वेरी गुड सर मोए मोए क्या होता है देखो मुझे तो पता नहीं मुझे तो हुआ नहीं है मोए मोए कभी आप ही लोग कमेंट बॉक्स में तब से कर रहे हो देखो मैनोमीटर से गैसों का दाम मापते हैं ये राइट है बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं यह भी करेक्ट है भाई कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापते हैं यह भी सही है सिस्मोग्राफ क्या है भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है पृष्ठ तनाव नहीं भूकंप की तीव्रता मापते हैं यह ध्यान रखिएगा ये लो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का प्रिजम द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिक होता है प्रिजम पता है इस टाइप से होता है एक त्रिभुजाकार ठीक है ना प्रिजम से अगर हम कोई प्रकाश गुजारते हैं ये मान लो प्रकाश है ये प्रिजम से गुजर रहा है ठीक है तो वो आगे एक दो तीन चार पांच छ सात तो वह अगले सात रंगों में विभाजित हो जाता है प्रिजम से अगर हम एक सफेद प्रकाश सफेद प्रकाश गुजारेंगे तो वो सात रंगों में विभाजित हो जाएगा इसमें सबसे कम विचलन जो होगा सबसे कम विचलन विचलन मतलब फैलना सबसे कम विचलन होगा लाल रंग का और सबसे क्या पूछा है अधिक विचलन होगा बैंगनी रंग का पर्पल का तो विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा यह थर्टी नंबर क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का लास्ट निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है बता दो एक बार बहुत बढ़िया सबसे कम बैंगनी है बिल्कुल भाई महेश भाई सबसे कम बैंगनी है मैक्सिमम पर्पल मैक्सिमम नहीं है मैक्सिमम रेड है मिनिमम पर्पल है पर्पल कलर माय फेवरेट अच्छा जी कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सभी ने आयोडीन को आंसर दिया है आप देखिएगा क्लास कोई छोड़ के जाएगा नहीं ये मैथ का सेक्शन है और मैथ मैंने बहुत अच्छा लिया है आज ठीक है कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ सेक्शन सी है मैथ के पंद्रह क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करने का अपन प्रयास करेंगे ठीक है जी प्रश्न क्या है कि कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है ए की कुल राशि का तीन बट्टे सोलह भाग और बी की राशि का वन बाई फोर भाग प्राप्त करता है यदि सी को इक्यासी प्राप्त होते हैं तो बी की प्राप्त राशि क्या है इसका आंसर फटाफट से करिए मैं प्रश्न को साइड में लगा के सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं कट रहा है है क्या थोड़ा सा और इधर कर देते हैं ये लो ठीक इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा अब देखो जी जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे बीस सही हुआ एक भी गलत नहीं ठीक है अभी भी जुड़े हैं मोए मोए एक रोग है जो इंस्टाग्राम यूज करने से होता है ठाकुर हम भी यूज करते हैं भाई हमें नहीं हुआ भावना पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेक्स्ट इंडियन आर्मी के फॉर्म जनवरी लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे देखो जी इस प्रश्न को करने का क्या तरीका है मैंने यहां पे लिख दिया ए रेशो बी रेशो सी ठीक है चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा बोला है कि ए कुल राशि का तीन बट्टे सोलह भाग ए कुल राशि का कितना तीन बट्टे सोलह भाग और बी उस राशि का वन बाई फोर भाग जो है प्राप्त करता है हमको सी का तो हिस्सा पता ही नहीं है सी का हिस्सा निकालने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे पहले इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो सोलह हो जाएगा यानी कि सोलह जो है वो इन तीनों में बटा है सोलह कॉमन है इन तीनों में बटा है अब देखो सोलह एकम सोलह सोलह को तीन से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहां पर तीन आ जाएगा सोलह यहां पर तीन ए का हिस्सा आ जाएगा तीन देखो चार चौके सोला चार को एक से गुणा करेंगे तो यहां पर चार हो जाएगा अब एक चीज समझो ए की वैल्यू कितनी आ गई तीन आ गई बी की आ गई चार अब तीन और चार कितने होते हैं सात होते हैं टोटल सोलह है मतलब सी का हिस्सा कितना हो जाएगा सोलह में से सात घटा देंगे तो नौ जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी सी की अब यहां से प्रश्न ही आपका समाप्त हो गया देखो नो का, सी का अनुपात कितना है नो है और सी को कितने रुपए मिले हैं एटी वन रुपीज मिले हैं ठीक है ठीके? नो से कैंसिल करेंगे तो नम नम इक्यासी हो जाएगा जी बिल्कुल करेक्ट है बोला है बी का कितने राशि प्राप्त हुई है बी का रेशो कितना है चार है अगर एक की वैल्यू नो है तो चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी नो गुणा चार कर देंगे तो छत्तीस जो रुपए हैं वो बी को प्राप्त हुए हैं सभी ने क्या ऑप्शन बी को आंसर किया है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने मैथ में तो आप लोग भागोगे मुझे पता है पर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं गुरु जी खेत में हूं कॉपी नहीं है मेरे पास कोई बात नहीं भाई आप ऐसे ही देख लो हा, हा, हा। चलो देखो जी एक्स और वाई एक साथ बारह दिनों में एक कार्य को खत्म करते हैं एक्स अकेला 20 दिनों में करता है तो वाई अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा ये तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल प्रश्न है देखो एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कार्य को करते हैं 12 दिन में और जो एक्स अकेला है वो कार्य को करता है अकेले 20 दिन में सबसे पहले इनका एल्सियम ले लेंगे इनका जो एल्सियम है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा यानी कि टोटल वर्क 60 है अब एक चीज समझो 12 पंजे 60 होता है और 20 या 60 होता है ये दोनों के कार्य करने की क्षमता है x और y दोनों की पांच है x की अकेले की तीन है क्षमता तो y की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 3 कर देंगे तो y के कार्य की क्षमता हो जाएगी दो। पूछा है y अकेला काम को कितने दिन में करेगा टोटल काम कितना है भाई 60 यूनिट है और y की एफिशिएंसी कितनी है 2 है दो से साठ को भाग कर देंगे तो वाई अकेला उस काम को करेगा तीस दिन में ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यह ध्यान रखिएगा भैया राम 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 भाई राम राम, अनूप भदौरिया मेह आप कहा से हो मैं हरियाणा से हूं अंबाला डिस्ट्रिक्ट से तैतीस नंबर देखिए ये अच्छा प्रश्न है बहुत एग्जाम में आता है एक अभ्यर्थी बीस प्रतिशत अंक प्राप्त कर पैंतीस अंकों से अनुतीर्ण हो जाता है जबकि दूसरा अभ्यर्थी पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है जो अनुतीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से चौंतीस अधिक है परीक्षा के पूर्णांक क्या है ये ना बहुत सिंपल प्रश्न है अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देखो मैं क्या करूंगा वैल्यू को इक्वल करूंगा मैं दोनों को पास करने का प्रयास करूंगा ये जो परीक्षा के टोटल अंक हैं ये क्या हो जाएंगे अपने आप में 100 परसेंट होते हैं यानी कि 100 परसेंट की वैल्यू आपको बोला है ठीक है अब एक चीज समझो किसी मैं क्या कर रहा हूं दोनों को मैं पास करूंगा भाई दोनों को मैं चाहूंगा कि दोनों विद्यार्थी जो है वो पासिंग मार्क्स लेकर आए पहले ने 20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए पास 35 अंकों से फेल हो गया यानी कि अगर इसके 35 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता ना ये हो गया पास ठीक है अगले विद्यार्थी ने पचास अंक प्राप्त किए हैं भाई और वो पास होने वाले आवश्यक अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है यानी कि अगर उसके 34 अंक और माइनस कर दूं इसमें से तो ये विद्यार्थी भी पूरा पूरा पास हो जाएगा बोलोगे हाजी अब देखो ये 20 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत इधर आके माइनस हो जाएगा 50 में से 20 माइनस हो जाएगा तो यहां पर बचेगा आपका कितना तीस ये यह माइनस का है इधर जाके प्लस में बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पांच चार नौ तीन और तीन तीस परसेंट का मान कितना आ गया? 69 आ गया. हमें निकालना है परीक्षा के टोटल अंक टोटल अंक कैसे निकालोगे टोटल अंक निकालने के लिए यानी कि हमको क्या चाहिए हमको सौ प्रतिशत का मान चाहिए यहां पे मैंने एक्स लिख दिया अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा सिक्सटी नाइन गुणा हंड्रेड डिवाइड बाई थर्टी इंटू एक्स इसको सोल्व करिए आपका आंसर आपके सामने है देखो जी जीरो से जीरो खत्म तीन से कैंसिल करेंगे तीन दुनी छह तीन तीन नो यानी कि यहां पर जो 230 अंक हैं 230 परीक्षा के कुल अंक हो जाएंगे विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा 33 का क्लास चैप्टर वाइज करा दो ना बीके रेसर भाई हमारी ना चैनल पे वाइज क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है ठीक है प्ले लिस्ट में जाइएंगे वहां पर आपको पूरी क्लास मिल जाएगी अभी मॉडल पेपर है तो चैप्टर वाइज नहीं करा सकते इसमें और रही बात जब वैकेंसी आ जाएगी तो फिर से चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगी चौतीस देखो जी एक वस्तु की कीमत कीमत घट जाती है मूल कीमत को कितना रखने पर नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा जब भी ऐसा प्रश्न आए ना केवल एक परसेंट दिखाई दिया हो ये घटा हो या बढ़ा हो दोनों का अलग अलग है ठीक है ये घट रही है इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे देखो x डिवाइड बाई हंड्रेड माइनस एक्स इन टू हंड्रेड अगर घट रही है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अगर 25 परसेंट बड़ी होती तो यहां पे हम x प्लस हंड्रेड कर देते ठीक है ये x क्या है 25 फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड में 25 फाइव माइनस करेंगे तो 75 गुणा किससे कर देंगे 100 से कर देंगे 25 या पिचहत्तर यानी कि यहां पर हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा वैसे तो आपका आंसर ऑप्शन बी में ही समाप्त हो गया इसको अगर आप आगे सोल्व करेंगे तो तैतीस सही वन बाई थ्री परसेंट आपका राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं पैंतीस तीन संख्याओं का अनुपात तीन पांच आठ है यदि उनका योग अड़तालीस हो यदि पहली और तीसरी संख्या में तीन जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या से तीन घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुपात क्या होगा कौन आंसर देगा भाई साहब इसका जल्दी से एक बार आंसर दे दो अपन बढ़ेंगे सॉल्यूशन पर जल्दी से प्रश्न तो सभी को दिख रहा है ना कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो शायद समझ में ना आए इतने दिन से नहीं आ पाए मैं ही नहीं आ पाया तो भाई आप कहां से आओगे बताओ हंड्रेड बाई थ्री बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका आप देखो बढ़ते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन पर अनुपात कितना दे रखा है तीन अनुपात पांच अनुपात आठ और टोटल दे रखा है अड़तालीस यानी कि इन अनुपात का टोटल कितना है अनुपात का टोटल फोर्टी एट है भाई है ना तो अनुपात का भी टोटल कर लो। पांच और तीन आठ आठ और आठ सोलह यानी कि सोलह अनुपात का मान अड़तालीस है यहां से मैं अगर कैंसिल कर दू तो सोलह तीन अड़तालीस एक अनुपात की वैल्यू तीन हो जाएगी अब देखो कैसे करेंगे पहले हम संख्याएं ज्ञात कर लेंगे अगर एक की वैल्यू तीन है तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी तीन को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आपकी संख्या आ जाएगी नौ तीन को पांच से करेंगे तो यहां पे पंद्रह आ जाएगी और आठ को तीन से करेंगे तो यहां पे अगली संख्या आ जाएगी चौबीस बोला है कि पहली और तीसरी संख्या में तीन जोड़ा जाए पहली संख्या नो है इसमें हमने तीन जोड़ दिया तो ये कितनी हो जाएगी बारह हो जाएगी तीसरी में भी कितना जोड़ना है तीन जोड़ना है तो ये कितनी हो जाएगी ट्वेंटी हो जाएगी और दूसरी संख्या में तीन घटाना है पंद्रह में से अगर हम तीन माइनस कर देंगे तो ये बारह हो जाएगा क्लियर है बोला है नया अनुपात क्या होगा ये आपकी संख्याएं हैं देखो तीन चौके बारह तीन चौके बारह और तीन नमे सत्ताइस फोर रेशो फोर रेशो नाइन आपका विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा देखें क्या किया है आपने तेजस भाई आपका नाम ले लिया है मैंने बहुत बढ़िया नहीं गलत आंसर दे रहे हो रवि कुमार ऑप्शन बी करेक्ट होगा नंबर देखो जी किस राशि पर डेढ़ साल के लिए लगा आठ प्रतिशत का साधारण ब्याज तीन सौ साठ रुपए होगा राशि बतानी है प्रिंसिपल मूलधन बताना है आपको आंसर दो जी भर्ती कब आएगी जनवरी के लास्ट में आ जाएगी चलो देखो ध्यान से बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर बोला है प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इन हंड्रेड डिवाइड बाई रेट इंटू टाइम ठीक है है ना यहीं पे कर लें क्या नीचे ही कर लेते हैं चलो सिंपल इंटरेस्ट कितना है तीन सौ साठ गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे भाई आगे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 परसेंट समय कितना है डेढ़ साल यानी कि इस डेढ़ को मैं पंद्रह बटे दस लिख सकता हूं ना पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे दस लिख सकता हूं तो ये दस जो है ये नीचे से चलकर कहा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अब कैंसिल कर दो काम खत्म है ठीक है मैं कैंसिल करता हूं पहले पांच से पांच या पंद्रह और ये कट जाएगा आपका बीस बार में ठीक है फिर मैं तीन से इसको कैंसिल करता हूं देखो तीन एकम तीन तीन दून छह यहां पर बीस हो गया है ना अब क्या बचा है आठ से एक सौ बीस गया यह पंद्रह बार में कट जाएगा पंद्रह दून तीस तीस को दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तीन हजार रुपए जो है वो प्रिंसिपल आ जाएगा ऑप्शन सी सभी ने क्या ऑप्शन सी को दिया है मैच करिए बिल्कुल तीन हजार आंसर आ रहा है कुलदीप ठाकुर नमस्ते भाई का बताइएगा किस धनराशि पर चार प्रतिशत वार्षिक दर से दो वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक रुपए होगा वह धनराशि क्या है एक चीज ध्यान रखना जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो और समय सिर्फ दो वर्ष का हो समय भी ध्यान रखना है सिर्फ दो वर्ष का हो तभी आपको यह ट्रिक लगानी है ट्रिक क्या है देखो ट्रिक है आपका सीआई माइनस एस आई ठीक है बराबर पी आर डिवाइड बाई हंड्रेड अब क्योंकि ये आपका दो वर्ष का है तो पी आर स्कोर यहां पे हंड्रेड का भी स्क्वायर करेंगे अगर दो वर्ष का है अब तीन वर्ष का है इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्यूब कर देना है ये गलत हो जाएगा क्यूब नहीं करना है तीन वर्ष का फॉर्मूला दूसरा है ये दो वर्ष के लिए ट्रिक है आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर सीआई और एस SI आई का अंतर कितना है आपको एक रुपए दे रखा है तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया बराबर प्रिंसिपल हमको निकालना है गुणा आर कितना है चार परसेंट चार का स्क्वा करेंगे तो डिवाइड बाई नीचे सो का स्क्र करेंगे तो आपका ये बन जाएगा समझ गए अब क्या करो देखो ये थाउजेंड इधर जाके एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा दस हजार जो है ये एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा सोलह पी हो जाएगा सोलह से दस हजार को भाग करेंगे तो ये छे सौ पच्चीस बार में काट देगा प्रिंसिपल आपका छ सौ पच्चीस रुपए आ जाएगा ऑप्शन बी सभी का क्लियर है चलो जी क्लियर है तो अड़तीस पे चलते हैं दो रेलगाड़ियां एक सौ सत्ताईस मीटर और नाइन्टी एट मीटर लंबी क्रमशः पैंतीस किलोमीटर प्रति घंटा और पचपन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं धन्यवाद सर आप नाइट में लाइव आते हो या नहीं नाइट में लाइव आते हैं शुभम ई क्लासेस 2.0 पर एस एस के लिए रात को आठ बजे अग्निवीर क्लियर हो जाएगा इससे बिल्कुल हो जाएगा भाई बहुत बच्चों ने किया भी है आप देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे क्या होगा इसको एक चीज समझना जब भी ट्रेन जो है ना दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही हो दोनों अपोजिट आ रही हो तो लंबाई भी जुड़ेगी और ट्रेन की स्पीड भी जुड़ेगी हमको क्या बताना है दो रेलगाड़ियां हैं हमेशा देखो लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी दोनों ट्रेन की यानी कि एक ट्रेन 127 है एक ट्रेन है 98 मीटर लंबी इनको जोड़ना है डिवाइड बाई ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड भी हमेशा जुड़ती है एक स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 55 किलोमीटर प्रति घंटा है टाइम का फॉर्मूला लगाया है मैंने स्पीड. अब यहाँ पर देख लो, इनको जोड़ो, आठ और सात पंद्रह का पांच हांसिल एक है ना दस दो बारह का दो हन्सिल एक दो हो जाएगी ट्रेन की टोटल लंबाई डिवाइड बाई स्पीड कितनी हो जाएगी पांच 5, 5, 10 का जीरो पांच और एक 6 और तीन नौ नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है अब यहां पर डायरेक्ट काटना नहीं है आपको देखो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आपका सेकंड में आ रहा है और लंबाई भी मीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम हमेशा पांच बटे अठारह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अठारह जो है ये नीचे न रहकर 18 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में कट रहा है क्या नहीं कट रहा बिल्कुल क्लियर है अब खत्म कर दो देखो अठारह पंजे नब्बे पांच गुना पांच पच्चीस होता है और 25 को 9 से कैंसिल करेंगे तो 225 हो जाएगा इसका मतलब ऑप्शन सी 9 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथ बड़ा कमजोर है भैया पहले टॉपिक वाइज ट्राई करें हमने टॉपिक वाइज करवाया है उसके बाद करिएगा तीन लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है यदि उनकी आयु तीन रेशो पांच रेशो सात के अनुपात में है सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी ये ना बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका ठीक है अब देखो अनुपात कितना है तीन रेशो पांच रेशो सात ठीक है तीनों की औसत आयु पंद्रह वर्ष है अगर औसत पंद्रह वर्ष है तो तीनों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी देखो तीनों की कुल आयु कुल आयु कितनी हो जाएगी तीन लड़के हैं औसत आयु पंद्रह वर्ष है तीन को अगर मैं पंद्रह से गुणा कर दूं, तो तीनों की टोटल आयु हो जाएगी पैतालीस वर्ष ये टोटल आ गई अब इधर देखिएगा अगर ये टोटल आयु है तो रेशो में टोटल कितना है आपका पांच तीन आठ आठ और सात पंद्रह रेशो में टोटल पंद्रह का है आयु में टोटल कितना है पैंतालीस वर्ष का है सिंपल पंद्रह से कैंसिल करेंगे पंद्रह पैंतालीस हो जाएगा तीन बार में कट जाएगा हमको बोला है सबसे छोटे लड़के की आयु सबसे छोटा रेशो तो इसमें तीन ही है अगर एक रेशो की वैल्यू तीन है तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी तीन गुणा, तीन कर देंगे तो सबसे छोटे लड़के की आयु हो जाएगी नौ वर्ष ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर कबड्डी का लाल प्रदीप नरवाल टीम से हार गई अच्छा जी कबड्डी भाई मैं नहीं देखता हूँ चालीस देखिएगा किसी शहर की जनसंख्या आठ सौ है तथा इसमें प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो दो वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी देखो वृद्धि हो रही है होने के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं हंड्रेड प्लस वृद्धि हुई है ना प्रॉफिट मान लो या फिर आपका वृद्धि मान लो वृद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंक्रीज हंड्रेड प्लस हमेशा प्रॉफिट और इंक्रीज होता है अगर हम इसके बाद का निकालते हैं अब देखो जनसंख्या कितनी है आठ सौ है गुणा कितनी वृद्धि हो रही है पांच प्रतिशत की सौ में पांच जोड़ेंगे कितना हो जाएगा एक सौ पांच डिवाइड बाई हंड्रेड एक सौ पांच परसेंट अगले साल फिर से पांच परसेंट की वृद्धि हुई है तो फिर से एक सौ पांच डिवाइड बाई हंड्रेड कर दीजिएगा ठीक है ना दो वर्ष का दिया है तो दोनों वर्ष पांच पांच परसेंट बड़ा है सौ में पांच पांच एक सौ पांच डिवाइड बाई हंड्रेड दो जीरो से ये दो जीरो खत्म देखो चार से कैंसिल करता हूं चार दुनिया आठ और ये चार से चला जाएगा पच्चीस बार में है ना चार दुनिया आठ चार पे बीस ठीक है फिर से देखो पांच से करूंगा पांच पंजे पच्चीस और पांच से ये चला जाएगा इक्कीस बार में ये भी पांच से चला जाएगा इक्कीस बार में अब ये हुआ क्या इक्कीस गुणा इक्कीस करेंगे तो चार सौ इकतालीस इक्कीस का स्क्वेयर फिर दो भी है यहां पर तो चार सौ इकतालीस को दो से गुणा करेंगे तो आपका आठ सौ बयासी जनसंख्या हो जाएगी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी जिसने बी को दिया है बताइए सर मैथ आप ही पढ़ाते हैं क्या देखो वैसे तो मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं वैसे तो मेरा जीके जीएस हिंदी और रीजनिंग है पर मॉक टेस्ट में करवा लेते हैं कभी कभी इकतालीस है दो संख्या पांच छ के अनुपात में है यदि उनका लैस एक सौ बीस है तो देखिएगा करिएगा कितना है 5, रेशो हमको क्या दिया है हमको एल्शियम एक सो बीस तो रेशो का भी एलसीएम ले लो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा तीस एलसीएम लिया है मैंने ये ठीक है एलसीएम बराबर एलसीएम हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ये जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दी तीन से कैंसिल करूंगा तो एक रेशो का मान हो जाएगा चार हमको मैं से बताना है अब मैं से के लिए तो संख्याएं भी पता होनी चाहिए ना दोस्त तो मैं से के लिए क्या है चार को पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीस हो जाएगा और चार को छह से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौबीस हो जाएगा ये आपकी संख्याएं आ गई दोनों अब बीस और चौबीस का एच कितना होगा भाई मेरे ख्याल से देखते ही आप लोग को आ जाना चाहिए चार हो जाएगा ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा गुड इकतालीस का ए दे दिया है सभी ने क्या बात है की क्लासेस क्लासेस सर्च करिएगा रात को आठ बजे चलती है डी आर ठाकुर कह रहे हैं सर मैं आपकी पिछली वीडियो देख देख कर आपसे बहुत कुछ सीख लिया है इसलिए मेरे पास मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है न्यू वीडियो की लाइव क्लासेस पहली मोटिवेशन देखो तभी आएगा जब भर्ती आ जाएगी ठीक है तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा कोई समस्या नहीं है इसको डिवाइड करो से क्या आएगा ये प्रश्न ऐसा है ना बहुत स्टूडेंट गलत आंसर करते हैं 42 का डी इनमें से आंसर दीजिएगा क्लास ऑलरेडी बावन मिनट चल चुकी है कोशिश करेंगे जल्दी से समाप्त करने का देखो सेवन डबल सेवन फिर डबल सेवन फिर सेवन 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 इसको डिवाइड करना है सेवन सेवन से ये बहुत सिंपल है देखो जी ये सेवन वन, देखो पहले ये कैंसिल करेंगे एक बार में फिर सात बचा है तो यानी कि जीरो आ जाएगी फिर ये सेवनटी सेवन कैंसिल हो जाएगा वन बार में फिर सात है तो एक और जीरो ले लेंगे फिर सेवनटी सेवन एक बार में फिर जीरो फिर सेवनटी सेवन एक बार में फिर खत्म हो गया ये काम दस 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 और एक दस 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 और एक ऑप्शन ए बयालीस का ए दिया है क्या सबने वेरी गुड फोर्टी थ्री देखिएगा संबाहू त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप डैश होता है संबाहु त्रिभुज क्या होता है ये आपके सामने एक त्रिभुज है भाई ठीक है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो या तीनों कोण समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है बोलोगे हाँ जी ठीक है तो देखो तीनों कोण भी समान होना चाहिए उसको संभाव त्रिभुज कहते हैं यानी कि ये भी कोण आपका 60 डिग्री का होगा ये भी कोण 60 डिग्री होगा और यह भी आपका 60 डिग्री ही होगा है ना ये मैं कोण की बात कर रहा हूं ठीक है 60 60 60 एक डिग्री होता है ना तभी तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है साठ डिग्री होता है चौवालीस है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सोलह रूट तीन वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करिए चौवालिस का आंसर दे दो भाई अच्छा प्रश्न है साठ आंसर आया है बहुत बढ़िया क्लास तो सभी को पसंद आ रही है ना क्लास का पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पर टेंशन मत लीजिएगा देखो संबाहू त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है रूट थ्री बाई फोर रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वेयर और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं तो तीन गुणा ए यानी कि तीन गुणा साइड तीनों भुजाओं का जोड़ हो जाएगा ठीक है अब इधर चलते हैं देखो रूट थ्री बाई फोर ए है? ये रूट तीन से ये रूट तीन खत्म ये चार इधर जाके 16 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मतलब आपका जो ए स्क्वेयर का मान होगा वो कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर हो जाएगा अगर ए स्क्वेयर का मान सिक्सटी फोर है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आठ आ जाएगी क्यों क्योंकि आठ का स्क्वेयर कितना होता है चौसठ इसीलिए अगर ए का मान चौसठ है तो ए का मान हो जाएगा ठीक है? अब ए की वैल्यू हमें पता लगी परिमाप निकालना है तो तीन गुणा आठ कर देंगे आपका चौबीस सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौबीस मीटर है सॉरी सभी का क्लियर है ना ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने देखो सचिन भाई बेसिक क्लियर होगा तो मैथ कंप्लीट हो जाएगा हां जी क्लास कंटिन्यू होगा रोज सुबह दस बजे ये एच निकालना है बहुत सिंपल है जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई फोर और फोर बाई फाइव फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू दी हो और एच निकालने को बोले तो ऊपर वाले टर्म का हम एच निकालते हैं और नीचे वाले टर्म का हम निकालते हैं एलसीएम ठीक है ये सिंपल है आप देखो दो तीन और चार का एच एक ही होगा एच और इनका देखो तीन चार पांच चारती बारह पंजे साठ इनका एलसीएम हो जाएगा सिक्सटी तो यानी कि वन बाई सिक्सटी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है जी जेबी गेमर कंप्लीट होगा जी लो जी छियालीस नंबर छियालीस से पचास तक अगले पांच क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग के रहेंगे अपना टेस्ट लगाइएगा और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे चाहिए कितना स्कोर हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए यहां पर बताना है इनमें से कौन सा अक्षर समूह आएगा अब अक्षर समूह पता होने के लिए ना आपको लॉजिक पता होना चाहिए हो जा भाई क्या बात हो गई आजकल क्या लॉजिक है देखो जी V से आपका Z हुआ है प्लस चार M से आपका I हुआ है M से I है ना यहां से हटाता हूं मैं यहां से करता हूं M से आपका जो I हुआ है यह हुआ है माइनस चार और R से जो S हुआ है R से क्या हुआ है S हुआ है यह हुआ है प्लस वन R से जो एस हुआ है वो प्लस वन हुआ है प्लस चार माइनस चार प्लस वन ये लग रहा है। A में आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में प्लस चार कर देना है e, यानी कि यहां पर e आ जाएगा के में क्या करना है आपको यहां पे आपको माइनस वन माइनस चार कर देना है सॉरी के में माइनस करो क्या हो जाएगा जी हो जाएगा और फिर जो टी है इसमें आपको सिंपली प्लस वन कर देना है तो यहां पे यू हो जाएगा ऑप्शन डी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। जी। जी उरंग मेरे दोस्त को निकाल दो सर जी। क्यों जी, क्या होगा? नंबर देखिएगा। यदि ए का अर्थ घटाना बी का अर्थ विभाजन सी का अर्थ योग और डी का अर्थ गुणा है तो इसको सॉल्व कर दीजिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना आपका वो लगेगा इसमें फॉर्मूला किसका बोर्ड मास का ठीक है ना बोर्ड मास में पहले डिवाइड मल्टीप्लाई फिर प्लस और माइनस अब देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं तीन सौ क्या है विभाजन है यानी कि डिवाइड माइनस बत्तीस सी का अर्थ क्या है तो योग है यानी कि प्लस पैतालीस डी का अर्थ गुणा है यानी कि गुणा बारह चीजों को समझ गए आप देखो जी समझ में आ रहा है ना छे से तीन सौ तीस को भाग करेंगे तो यहां पे पचपन आ जाएगा छ पंजेतीस तीस माइनस बत्तीस प्लस अब क्या है पैंतालीस को बारह से गुना करेंगे पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा पैतालीस को बारह से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा फटाफट से गुना करिएगा ये हो जाएगा आपका पांच सौ चालीस पांच चालीस हो गया जी ठीक है अब देखो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है पहले मैं प्लस प्लस वालों को जोड़ लेता हूं यानी कि मैं क्या करता हूं 540 में पहले 55 को जोड़ लेता हूं पांच नौ पांच ये हो जाएगा आपका 595 और मैं फिर इसमें से 32 को माइनस कर देता हूं आंसर आ जाएगा ठीक है ना पांच में से दो गए तीन नौ में से तीन गए छह पांच आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जिसने ऑप्शन ए को दिया है मेरा नाम ले लो अभिषेक रावल न्यू स्टूडेंट है कोई बात नहीं आपका नाम ले लिया है जी अगला बढ़ते मैं आपको हर क्लास में बताता हूं मैं जितनी भी मैंने आपकी क्लास ली है रीजनिंग की या फिर आर्मी का मॉडल पेपर लिया है ये मैंने हर क्लास में प्रश्न आपको बताया है तो मैं ये चाहता हूं ये सिंपल सा प्रश्न है इसमें थोड़ा सा ना गलती होने का चांस है तो मैं ये चाहता हूं ये वाला प्रश्न आप लोग का होमवर्क का है प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है और सिंपल भी है अगर आपको यह पता है लॉजिक हर क्लास में मैंने इसका लॉजिक बताया है जब भी मैंने रीजनिंग करवाई है या मॉडल पेपर करवाया है ठीक है यह होमवर्क का है प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा फोर्टी नंबर देखो दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए फोर्टी पैरा मलिक ले लिया जी आपका नाम एग्जाम में कॉपी पेन लेकर बैठने देंगे क्या देखो कॉप शीट आपको वही देंगे रफ काम करने के लिए ठीक है ना कॉपी पेन नहीं पेन लेके जा सकते हो अब यहां पर क्या लॉजिक है देखो भाई मैं इसको और बड़ा कर दू क्या गलत संख्या बतानी है आपको इसमें गलत संख्या क्या है ठीक है गलत संख्या में क्या बताना है देखो जी सीरीज देख लो क्या फॉलो हो रही है यहां पे क्या हुआ है प्लस थीन यहां पे क्या हुआ है प्लस पांच यानी कि इस हिसाब से यहाँ पे प्लस आपका साथ होना चाहिए था और यहाँ पे प्लस नौ होना चाहिए और यहाँ पे प्लस ग्यारह ठीक है ना आप देखो जी प्लस पांच ठीक है यहाँ पे प्लस सात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे अठारह हो जाएगा फिर अठारह में प्लस नौ करेंगे सत्ताईस सत्ताईस में ग्यारह करेंगे अड़तीस बिल्कुल सीरीज परफेक्ट है यहाँ पर सोलह की जगह अठारह आना चाहिए यानी कि जो सोलह वाला टर्म है ना वो इसमें गड़बड़ है भाई एसएससी जीडी में पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं सीसीजीडी की तो मैं क्लास लगाता हूं रात को आठ बजे वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर का इसका आंसर दे दो कि यदि को इसके रूप में लिखा जाता है तो टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा करें क्या सॉल्यूशन पे सबसे पहले आपको लॉजिक पता होना चाहिए मोंकी को क्या लिखा है एक्स डी जे एम जे एम एन एल लॉजिक देखो क्या फॉलो हो रहा है तभी तो कर पाओगे मैं देख रहा हूं कि एम से एल हुआ है इस तरह से लोग जी चल रहा है ये हुआ है माइनस वन ओ से फिर एन माइनस वन ठीक है एन से फिर एम माइनस वन यानी कि ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये आपस में माइनस वन का लॉजिक फॉलो करते हैं किसका माइनस वन का लॉजिक इसमें सब में फॉलो हो रहा है अगर इसमें माइनस का लॉजिक फॉलो हो रहा है तो देखो टाइगर को कैसे लिखेंगे पहले इधर माइनस वन करिएगा यहां पे क्या सबसे लास्ट में कौन सी संख्या आएगी सबसे लास्ट में क्या आएगा सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका एस फिर आई आई को यहां पे करेंगे माइनस वन करना है ध्यान रखिएगा माइनस वन करना है सभी में ठीक है ना यहां पे एच आ जाएगा जी एच आई होता है यहां पे यहां पे करेंगे माइनस वन यहां पे एफ हो जाएगा E से माइनस वन करेंगे D हो जाएगा R से माइनस वन करेंगे क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस तो यहां पे क्यू डी एफ एच एस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी जिसने B को दिया है पचास का क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा चलिए जी तो फिर यह था आपका आज का पूरे पचास प्रश्नों का मॉडल पेपर एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं सेक्शन बी में सेक्शन सी में और सेक्शन डी में आपको आज का सेशन कैसा लगा है हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है प्रयास करेंगे कि आपकी क्लासेस जो है ना वो डेली दस बजे सबेरे शेड्यूल हो पाए ठीक है जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि उनकी क्लासेस सुबह दस बजे होंगी एस एस जी पे चले जाइए रात को आठ बजे डेली क्लास होती है इस क्लास का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे टेलीग्राम का लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है ठीक है जी रोज क्लास लगाएंगे कोई बात नहीं जय हिंद थैंक यू जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम है ठीक है क्लास को बंद करते हैं मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद